हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गया यार। तो भाई आज का जो वीडियो है भाई वो शूट हो रहा है सुबह के 6:15 बजे, ठीक है ना। चलो यार हम बात करते हैं, वीडियो को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो यार एक भाई ने ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार जो हेल्थ नीच है ना उस पर अभी हमें जो है यार वो काम करना चाहिए तो भाई इंग्लिश में लिखना चाहिए कि हिंदी में लिखना चाहिए, कितना ट्रैफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना CPC वगैरह मिल जाएगी, अर्निंग होगी नहीं होगी ना, ट्रैफिक वगैरह आएगा नहीं आएगा। तो इसी मुद्दे पर जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो बात करते हैं। तो यार देखो, अगर हम हेल्थ नीच की बात करें ना, अगर हेल्थ नीच में अगर आप इंग्लिश में जा करके अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना, तो यार बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपटीशन है। बहुत बड़े बड़े जायंट प्लेयर जो हैं यार वो आ गए हुए, उनकी वेबसाइट में उन्होंने ब्लॉग का सेक्शन बनाया हुआ है और इंग्लिश में हेल्थ टॉपिक के ऊपर जो है वो कॉन्टेंट लिखते हैं। तो बेटर तो ये रहेगा कि यार आप हिंदी में जाओ, ठीक है ना। अब आप यार कहोगे हिंदी में CPC बहुत कम मिलेगी, बिल्कुल यार इंग्लिश के मुकाबले हिंदी में CPC तो यार कम होगी ही होगी, नो डाउट। बट तब भी यार हेल्थ नीचे में आपको CPC जो है वो एक नॉर्मल लेवल से यार बेटर ही मिल जाएगी। क्यों बेटर मिल जाएगी? तो को इस ये इसलिए बेटर मिल जाएगी, तो को हेल्थ नीचे में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि वेट लॉस हो गया, हेयर लॉस हो गया, ठीक है ना, और आपका मान लीजिए ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप कोई टिप्स वगैरह दे रहे हो ना हिंदी में ना, तो इसमें यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो है वो ऐड चलता रहता है। जब भी किसी भी टॉपिक में यार बहुत रिलीवेंट जो है वो ऐड वगैरह चल रहे होंगे ना, तो यार ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी यार ठीक ठाक तरीके से जो है उसमें CPC आ जाएगी और अर्निंग भी हो जाएगी। दूसरा एक मेजर जो चीज़ है यार हेल्थ नीच में वो ये है कि इसमें ऑडियंस जो है वो बहुत ब्रॉड है। अगर हम ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहे हैं ना, या हम अगर हम कोडिंग के बारे में लिख रहे हैं ना, तो उसमें यार एक बहुत जो है इतनी सारी मतलब कि पब्लिक के बीच में बहुत सेलेक्टिव जो ऑडियंस है ना वही उस टॉपिक के बारे में जो है वो जानना चाहती है। बट अगर हम हेल्थ नीच की बात करें तो ये हेल्थ नीच एक जनरल टॉपिक है जिसमें एज भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। बहुत तक कह सके तो 14-15 साल से लेकर के लोग जो है वो 60-65 साल तक अलग अलग बीमारियों को जो है वो यार इलाज जो है वो उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं ना। तो यार ये इसमें क्या है यार, ऑडियंस का भी कोई बार नहीं है कि ना उसके एज का ग्रुप का बार है, ना किसी भी तरीके के प्रोफेशनलिज्म के बारे की, नहीं भैया यही प्रोफेशनल के लोग जो हैं वही सिर्फ बीमार जो है वो नहीं होंगे जाकर ना। तो हर तरीके की ऑडियंस इसमें है, तो इसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा होने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है भाई कि ट्रैफिक बहुत भर भर के आपके ब्लॉग में आएगा, अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट भी जो रैंक हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो दांतों के बारे में यार अलग अलग रहता है कि भाई दांत का दर्द कैसे भगाया जा करके ना, तो उसमें यार बहुत भयंकर जो है यार वो ट्रैफिक, अगर आपका ब्लॉग रैंक हो जाता है, पोस्ट रैंक हो जाता है, तो बहुत दबा करके ट्रैफिक आएगा। इसका जीता जागता एग्जांपल आप यूट्यूब पे देख लेना जाकर के, भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो और आपने वो देखा ही था यार, इस तरीके की वीडियोस वगैरह आते रहते हैं कि भाई ये इनो है इसको यूज़ करो भाई, और आप गोरे होने हुए बिना भाई यार रह ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फर्जी के वीडियो एक टाइम पे आते रहते थे, बट अब आप देखो अगर ट्रेंडिंग में इस तरीके के वीडियो नहीं दिखते हैं, क्योंकि यार लोग क्या है रिपोर्ट वगैरह कर देते हैं ना, और वो चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग तक नहीं पहुंच पाती। बट अगर आप व्यूज़ वगैरह देखोगे जाकर के, तो उसमें करोड़ों में व्यूज़ है। अब करोड़ों में व्यूज़ का तो आप मतलब समझ सकते हो ना यार कि इस टॉपिक पे, हेल्थ नीड्स के टॉपिक में कितने सारे लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। अब हेल्थ नीड्स में भी यार सबसे बढ़िया रहेगा, मैं अगर आपको देखो सजेस्ट करूँ जाकर, तो एक नहीं आपके पहले पुराने टाइम पे आपकी एक किताब आती थी भाई दादी माँ के नुस्खे, उसी दादी माँ के नुस्खे को लिख करके, जिसको हम आयुर्वेदा के तरीके ले सकते हैं कि इसमें यार आयुर्वेदा से रिलेटेड टिप्स रहते थे कि भाई लौंग खाओगे दांत का दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। एक्चुअली में ये चीज़ें इफेक्टिव भी होती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती। देखो कुछ इंस्टेंट बीमारी होती है, जैसे मान लो बुखार आ गया, तो उसमें यार देखो ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव तो तुरंत तो नहीं होती हैं जा करके, बट यार लॉन्ग टर्म के केसेस में जड़ से चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भाई आयुर्वेदा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरा वर्ल्ड जो है इस चीज़ को अब मानता है कि हाँ भाई आयुर्वेदा जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अगर आप आयुर्वेदा के ऊपर जो है थोड़ा बहुत चीज़ें लिखते हो, जिसमें कि यार एक आपकी वेबसाइट भी है ओनली हेल्थ करके कुछ ऐसे समथिंग करके उसका नाम है, जिसमें बहुत दबा के ट्रैफिक आता है, और वो इंग्लिश में भी लिखते हैं हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत दबा के ट्रैफिक आता है उसमें, तो यही वाली चीज़ है। और दूसरा क्या है यार देखो, हेल्थ नीच पे अगर आप जाओगे ना, तो आप बढ़िया से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर पाओगे जाकर के। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हो, ठीक है, अब आयुर्वेदा के भी बहुत सारे प्रोडक्ट उसके ऊपर बन चुके हैं ना, तो अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो भाई कि मान लीजिए हेयर ग्रोथ के बारे में आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो सही सॉर्ट तरीके से रैंक हो जाता है, तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अमेजोन के कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जिनका आप एफिलिएट भी कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होंगे, जाकर लोग यूज़ करते होंगे तो आप उन्हें रेफर करोगे तो वो उसे यूज़ भी करेंगे जाकर के ना। तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल यार आप हेल्थ वाले ब्लॉग में जा सकते हो, बट कंपटीशन है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हिंदी में भी कंपटीशन है, बट अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन जो है वो हिंदी निश में नहीं है। तो हिंदी निश में आप ट्राई कर सकते हो, और क्योंकि यार ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना,
जिस भी चीज़ में मान लो इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर आपकी अर्निंग थोड़ी कम भी हो रही है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको सीपीसी कम भी मिल रहा है पर ट्रैफिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा है ना, तो अगर उसमें कोई आपका ब्लॉग को सही तरीके से रैंक कर जाएगा ना, तो उसमें यार आपका इतना ज़्यादा ट्रैफिक में ना आपकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। प्लस 2x करने के लिए यार आप हेल्थ इन ब्लॉग में यार एफिलिएट मार्केटिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यार आज का वीडियो जो था यार वहीं यहीं तक था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं यार भाई हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।